हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो पेडीक्योर के ऊपर है, जो कि एडवांस पेडीक्योर है O3 प्लस ब्रांड का पेडीलॉजिक्स। तो ये जो पेडीक्योर है, ये बबल गम बेस्ड है। इसमें मैनी और पैडी हम दोनों सर्विसेज दे सकते हैं। तो इसमें जो जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। इसके बाद मैंने आपका जो इसका वीडियो बनाया हुआ है वो भी आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। तो इसमें इस तरह से प्रोडक्ट्स आते हैं, ऐसे सब एक एक हम लोग पाउच पहले निकाल लेंगे। पाउच और इसमें डिब्बी में आते हैं, तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे पहले एक एक। तो इसमें इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें कि जैसे ये बबल गम जेल पाउडर है, इसको जब हम पानी में डालते हैं तो एक जेली बेस हो जाता है वो जो अपने पास प्रोडक्ट होता है। तो उसमें हम लोग जब डिप करते हैं तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। इससे हम लोग मसाज करते हैं, और जब इस जेली को हम लोगों ने ख़त्म करना हो तो उसके लिए हम लोग डी क्रिस्टल डाल देते हैं उसी पानी में। उसके बाद ये जेली है, ये नॉर्मल पानी की तरह चेंज हो जाती है। तो ये इसको डी क्रिस्टल इसको चेंज करने के लिए होता है वाटर में वापस। इस तरह ये पैडी क्रिस्टल वॉश आता है, इसको हम लोग जो पानी लेते हैं टब में उसमें डालते हैं, तो ये हमारे पैरों में जो डर्ट वगैरह होती है उसको रिमूव करने का वर्क करता है। फिर पैडी सॉफ्टनर होता है, जिसको कि मैं जो क्लाइंट की एड़ियाँ होती हैं उस पर और जो नेल्स होते हैं उनके ऊपर क्यूटिकल्स को रिमूव करने के लिए क्यूटिकल सॉफ्टनर यूज़ करती हूँ मैं इसको। इसमें फिर आता है हमारा पैडी वॉश। इसमें शैम्पू होता है, तो जैसे हम लोग पेडीक्योर करते समय नॉर्मल शैम्पू डालते हैं, उसमें ये वाला शैम्पू हम लोग डाल देते हैं डी क्रिस्टल के पैडी क्रिस्टल वॉश के साथ। इसके साथ हम लोग ये वाला शैम्पू यूज़ करते हैं, इसे पैडी वॉश कहते हैं। उसके बाद हम लोग सारा काम करने का तरीका तो मैं आपको बताऊँगी कैसे कैसे करना है। उसके बाद फिर हम लोग माइक्रो पील का यूज़ करते हैं। ये एज अ स्क्रब होता है, जो कि अच्छे से हमारी जो फिट्स वगैरह होते हैं उनको बहुत अच्छे से ये डस्ट को रिमूव करता है और सॉफ्ट करता है हमारी एड़ियों को। उसके बाद हमारी होती है मसाज क्रीम। तो ये पैडी मसाज क्रीम आती है O3 प्लस की, तो इससे हम मसाज करके उनको अच्छे से इस क्रीम को जो स्किन है उसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर देंगे, ताकि पैरों में अच्छे से सॉफ्टनेस आ जाए। इसका हम मैनीक्योर पेडीक्योर दोनों चीज़ें करते हैं इन प्रोडक्ट से। तो मेरे को इसका पेडीक्योर बहुत पसंद है। ये पैडी मास्क है, जो कि हमें लास्ट में एप्लीकेशन करनी है। तो फुल प्रोसेस मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। इस तरीके से इनके कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम नेल्स को क्लीन करने के लिए नेल रिमूवर लेंगे, और जो नेल पेंट लगा हुआ है उसको हम लोग अच्छे से रिमूव कर देंगे। नेल पेंट रिमूव करने के बाद हम लोग नेल फाइलर से नेल्स को शेप देंगे। अगर आप चाहें तो पहले नेल्स को कट भी कर सकते हैं। अब बुफर से इसको अच्छे से हम लोग ऊपर से क्लीन करेंगे, जो येलोनेस है उसको रिमूव करेंगे। बफर से करने से थोड़ा ड्राई हो जाते हैं नेल्स, इसलिए सॉफ्ट वाले बफर से भी हम लोग क्लीन करेंगे। अब एड़ियों को हम लोग स्क्रेपर से अच्छे से क्लीन करेंगे, जितना भी डेड स्किन है वो सब निकल जाएगा स्क्रेपर से। इसके बाद हम लोग क्रिस्टल वॉश लेंगे और उसको पानी में डाल देंगे। और पैडी वॉश को भी इसमें डाल देंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि शैम्पू होता है, इसको भी हम लोग टब में डाल देंगे। अब पैडी सॉफ्टनर को हम लोग क्यूटिकल्स के लिए यूज़ कर लेंगे, और थोड़ा जो बचा हुआ होगा उसको एड़ियों पे भी लगा देंगे। अब हम पैरों को 10 मिनट के लिए डिप करवा देंगे। पानी गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए। अब पैरों को बाहर निकाल के हम लोग ब्रशिंग करेंगे हल्के हल्के हाथ से, ताकि जितना भी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने थोड़ा फास्ट कर दिया है इसको। आप लोग सॉफ्ट हैंड से इसको ब्रशिंग करेंगे। अब क्यूमिक स्टोन लेके हम लोग एड़ियों को अच्छे से क्लीन करेंगे।
पैरों को टॉवल से क्लीन करके हम लोग क्यूटिकल्स को पुश करेंगे और उनको रिमूव करेंगे। अगर नेल कट करने की नीड होगी तो कर देंगे। इसके बाद हम लोग पहला जो इसका सबसे पहले हम लोग स्क्रब करते हैं पैरों पे, तो हम लोग स्क्रब लेंगे और इसकी हम लोग 10 मिनट मसाज करेंगे। स्क्रबिंग में हम लोग लाइट हैंड का यूज़ करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे और हाथों को बार बार गीला करते रहेंगे जब भी स्क्रब ड्राई हो। स्क्रबिंग करने के बाद हम लोग पैरों को अच्छे से साफ कर देंगे और टॉवल से पोंछ देंगे। इसके बाद हम लोग बबल गम वाला पाउडर लेंगे और इसको टब में डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे ये जो प्रोडक्ट है ये जेली जैसा हो जाता है, फिर इससे हम लोग अच्छे से पैरों को क्लीन करेंगे। फाइव टू टेन मिनट हम इससे मसाज दे सकते हैं पैरों की। इसके बाद हम लोग पानी डाल के सारे प्रोडक्ट को हटा देंगे। हटाने के बाद टॉवल से दोबारा क्लीन करेंगे और हम लोग क्रीम को लेंगे और इसकी 15 से 20 मिनट मसाज करेंगे। क्रीम मसाज हम लोग प्रेशर से कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट में हमारे पैरों पे पैक एप्लीकेशन होगी जिसको हम लोग 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पंद्रह मिनट बाद जब ये पैक की टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी हम लोग पैरों पे थोड़ी सी भात गीले करके मसाज करेंगे और फिर इनको टॉवल से क्लीन कर देंगे। अच्छे से क्लीन करने के बाद हम लोग पैरों पे मॉइस्चराइजिंग करेंगे। लास्ट में हम लोग नेल पेंट की एप्लीकेशन कर देंगे। इस तरीके से हमारा पेडिक्योर का वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।